हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का मैथ चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। पीछे कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, कि ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का एक्स मिड पॉइंट है। एंड वाई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वाई है वो बी सी का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एक्स वाई एंड बी डी बाइसेक्ट इच अदर, एक्स वाई एंड बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो ए बी ए डी इक्वल है बी सी की, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है। एक्स और वाई मिड पॉइंट है, तो ए डी का हाफ क्या हो गया, ए डी एक्स, और यहाँ पे बी सी का हाफ क्या हो गया, बी वाई। दोनों को टू से डिवाइड कर दो, ए डी का हाफ होगा डी एक्स, बी सी का हाफ होगा बी वाई। क्यों होगा, रीजन देखो, बिकॉज एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, कि ए डी बी सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है और एक्स और वाई इसके मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ए डी का अपार्ट और ये भी बी सी का अपार्ट। ए डी और बी सी इक्वल है तो उनके अपार्ट भी इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो, इन ट्रायंगल डी ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ वाई, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे आप, आपको प्रूव करना है कि बी डी और एक्स वाई एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको दिखाना है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे आप, इसमें क्या है, ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल एक्स डी ओ, एक्स डी ओ इक्वल है वाई बी ओ, वाई बी ओ। रीजन ए बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन, एक्स डी इक्वल है बी वाई, डी इक्वल है बी वाई, ये आपने यहाँ पे प्रूव किया है, डी एक्स इक्वल टू बी वाई। इसको इक्वेशन नाम दे दो वन, अदरवाइज इसका रीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन, और आप यहाँ पे नहीं दिखाते हो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो हाफ पार्ट ऑफ टू इक्वल साइड्स, कि दो साइड्स इक्वल हैं उनके आप पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो, नेक्स्ट वन इज ये एंगल इसके इक्वल होगा, डी एक्स ओ, डी एक्स ओ इक्वल है बी वाई ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है और एक साइड, तो बाई ए एस ए, बाई ए एस ए कोंग्रेंसी, बोथ ट्रायंगल डी एक्स ओ
इज कोंग्रेंट टू ट्रेंगल बी वाई ओ, और जब दो ट्रेंगल कोंग्रेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो डी ओ इक्वल है। अब ये देखें कि जो डी ओ साइड ली है इस ट्रेंगल की, वो इस दूसरी ट्रेंगल की जो जिसके कोंग्रेंट है उसकी कौन सी साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ये, तो डी ओ का अपोजिट एंगल देखो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड पहचानने के लिए, एंगल डी एक्स ओ की अपोजिट साइड है, तो ये एंगल किसके इक्वल है यहाँ पे इस एंगल के, तो इसके अपोजिट साइड कौन होगी ओ बी, तो ओ डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ओ बी होगी। इसी प्रकार एक्स ओ, एक्स ओ किसके इक्वल होगा, एक्स ओ की अपोजिट साइड देखें तो ये एक्स ओ एंगल डी की अपोजिट साइड है और ये डी एंगल बी के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड होगी ओ वाई, तो ओ एक्स है वो ओ वाई के इक्वल होगा, दोनों का रीजन सेम है बाय सीपीसीटी, मतलब जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ये आपने प्रूव कर दिया कि डी ओ इक्वल है ओ बी, ओ एक्स इक्वल है ओ वाई, इट मीन्स बी डी एंड एक्स ओ आर बाइसेक टू ईच अदर, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन देखें, ए बी सी डी आर फोर पॉइंट ऑन दी साइड्स ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स ऑन दी साइड पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी रिस्पेक्टली ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये दे रखा है गिवन है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। फिर ए बी सी डी इनकी चारों साइड के ऊपर इस प्रकार है कि पी ए इजक्वल टू क्यू बी इजक्वल टू आर सी इजक्वल टू एस डी, और पी क्यू के ऊपर ए है, पी क्यू के ऊपर ए, ए पी इजक्वल टू क्यू आर पे बी है, क्यू आर पे बी है तो पी ए इजक्वल टू क्यू बी है, तो P के नज़दीक लिया है तो यहाँ पे भी नज़दीक, इजक्वल टू आर सी आर एस के ऊपर C है वो इनके इक्वल है तो नज़दीक लें C R के, एस डी और जो D है वो S के नज़दीक लेंगे, ये चारों इक्वल हैं। इस प्रकार हैं A B C D चार पॉइंट, P Q Q B और R C और सॉरी R S और P S साइड के ऊपर इस प्रकार हैं कि पी ए इक्वल है, क्यू बी इक्वल है, आर सी इक्वल है, डी एस, ये चारों इक्वल दे रखे हैं। फिर कहता है ये प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यहां पे प्रूव करना है कि ए बी सी डी बी ए के पैरेललोग्राम है। तो देखो ये आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ये चारों साइड्स इक्वल हैं और ये पहले से इक्वल हैं कि पी क्यू इक्वल हैं आर एस के और क्यू आर इक्वल हैं पी एस के, पी क्यू आर एस के इक्वल होगी, क्यू आर पी एस के इक्वल होगी, क्यों होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखो पी क्यू इक्वल हैं आर एस के और यहाँ पे ए पी इक्वल है आर सी के, दे रखा है ए पी इजक्वल टू आर सी गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो ये सेकंड बोल दो, इस फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, पी क्यू माइनस ए पी, पी क्यू माइनस ए पी क्या हो गया ए क्यू, आर एस माइनस आर सी, आर एस माइनस आर सी एस सी, ये साइड इसके इक्वल होगी। इसी प्रकार पी एस इक्वल है क्यू आर के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी एस डी इक्वल है क्यू बी, ये भी दे रखा है एस डी इक्वल है क्यू बी, ये भी इक्वल है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो आप,
पी एस माइनस एस डी क्या बचेगा पी डी, क्यू आर माइनस क्यू बी क्या बचेगा बी आर, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है। तो देखो सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए पी डी, इन ट्रायंगल बी आर सी, दोनों ट्रायंगल में ए पी इक्वल है आर सी, ये गिवन है, दे रखा है ये आपको, ए पी इज इक्वल टू आर सी, ये गिवन पार्ट है। नेक्स्ट वन बी आर इक्वल टू आर सी, बी आर इक्वल टू सॉरी बी आर इक्वल टू पी डी, ये आपने दिखाया, इसको इक्वेशन नाम दे देंगे, जैसे इसको तो आपने थर्ड इक्वेशन बोल दिया, इसको आप फोर्थ इक्वेशन बोल दो, इनका यूज करेंगे तो पी डी इज इक्वल टू बी आर। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट वन थर्ड वन इज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी है वो एंगल आर के इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो दो साइड इक्वल है, एक एंगल बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स सेम होंगे, एडी इक्वल होगा बीसी के, एडी इक्वल है बीसी बाई सीपीसीटी। ये दोनों साइड हैं वो इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में कॉरेस्पोंडिंग साइड है, क्यों? क्योंकि P और एंगल R दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड कोरस्पोंडिंग साइड होगी। इसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CSD, AQ इक्वल है SC फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आपने दिखाया था थर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड क्यू बी इज इक्वल टू डी एस, क्यू बी इज इक्वल टू डी एस गिवन है ये। एंड नेक्स्ट वन इज एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे तो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगी एक एंगल, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी बोथ ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी एस डी, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी। ये जो साइड है आपकी ए बी इक्वल होगी डी सी के, ए इक्वल है डी सी, रीजन CPCT कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी कॉरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, ये इक्वल होगी। तो देखो ADBC के इक्वल दिखाया आपने और ABDC के इक्वल दिखाया, इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, और जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो क्या होता है एक पैरेललोग्राम, तो लिख देंगे लास्ट में सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, रीजन लिखेंगे बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही आपको प्रूव करना था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट वन यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में अगर दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते ना कि ये इसको वन फोर्थ पार्ट में डिवाइड करता, जैसे यहां पे ये दोनों इक्वल होते हैं यहां से, तो आप वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, जैसे कि ये जो लाइन है इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड वन के पैरेलल होती और इनका रेशियो भी सेम होता,
तो वहाँ से भी हम प्रूव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट हैं पॉइंट ए और डी ये अलग अलग हो गए, पी क्यू को और पी एस को कुछ अलग रेशियो में ही डिवाइड करें, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करके हमने इस कोंग्रेंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो ये आप देखेंगे कि क्वेश्चन की कंडीशन में फिगर बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वन देखें, ए बी सी डी इज ए काइट, ए बी सी डी इज ए काइट हैविंग ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल, कि इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो हमें जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो एक रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना है। तो बी डी और ए सी दोनों डायगोनल को ज्वाइन कीजिए और ध्यान दीजिए कि काइट के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक जो डायगोनल होता है वो बाईसेक्ट होता है। बी डी जो डायगोनल है यहाँ पे बाईसेक्ट होगा, बी ओ इक्वल टू ओ डी। अब देखो ये राइट एंगल पे है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये प्रॉपर्टी हम कब यूज करते हैं, जब किसी ट्रायंगल्स में दो साइड के ऊपर पॉइंट दे रखे हों। पॉइंट तो पिछले क्वेश्चन में भी थे, लेकिन वहां पे क्या कंडीशन थी, वो दोनों है उस सेम, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू मिड पॉइंट है तो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। तो लिख देंगे पी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी, दो साइड के मिड पॉइंट है सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से पी और क्यू इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट हैं तो पी क्यू जो लाइन है वो बी डी के पैरेलल होगी और क्यू जो लाइन है वो बी डी का हाफ होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट रीजन ये होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। तो ए बी डी में थर्ड साइड है बी डी तो इसके पैरेलल होगी और ये इसका हाफ होगी। इसी प्रकार जाएंगे अब हम इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल में भी आर और एस क्या है मिड पॉइंट है, आर एंड एस मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड बी सी, सी डी एंड बी सी, सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से जो आर एस है वो बी डी के पैरेलल होगी और आर एस है वो बी डी का होगी। ये इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या देखा आपने, पी क्यू पैरेलल है बी डी के, आर एस पैरेलल है बी डी के, इसका मतलब पी क्यू आर एस के भी पैरेलल होगी क्योंकि पी क्यू और आर एस दोनों बी डी के पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी। और देखा आपने पी क्यू बी डी का हाफ है, पी क्यू बी डी का हाफ है और आर एस भी बी डी का हाफ है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो पी क्यू आर एस के इक्वल भी होगी।
इट मीन्स पी क्यू आर एस के इक्वल भी है और पी क्यू आर एस के पैरेलल भी। और जिस किसी क्वाड्रेंट में अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। पी क्यू आर एस इज ए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। लेकिन आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो यहाँ पे यहाँ तक तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाना है, इसका मतलब इसका एक एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना है। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, काइट के डायगनल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, कोई भी नाम दे दो इसको, जैसे हम ए एम ओ एम क्यू, एंगल ओ एम क्यू इज इक्वल टू एम ओ बी, एम ओ बी ये 90 है तो ये भी 90। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू इच अदर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, जेड बन रहा है तो अंदर वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ये 90 हो गया, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो इस प्रकार ये 90 है तो ये भी 90 और यहां से ये भी 90 हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन भी क्या है पैरेलल है, प्रूव किया था हमने कैसे कि ए बी सी भी एक ट्रायंगल है जिसमें पी और एस मिड पॉइंट है, ए बी और बी सी साइड के मिड पॉइंट है पी एस, तो मिड पॉइंट थ्योरम से पी एस ए सी के क्या होगी पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, सो एंगल पी इज 90 डिग्री, कोरस्पोंडिंग एंगल है ये दोनों पैरेलल लाइंस के, सेम साइड सेम ट्रांसवर्सल लाइन के साथ सेम साइड है और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड, तो कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो पी क्यू आर एस आपने प्रूव कर दिया था कि पैरेललोग्राम है और यहाँ पे इसमें एंगल पी है वो आपने 90 डिग्री के इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया एक रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि किसी भी पैरेललोग्राम में दोनों डायगनल इक्वल होते हैं तो भी वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन आपने 90 डिग्री एंगल दिखाया है। नेक्स्ट वन, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखे हैं, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होते हैं, डायगनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ई ए बी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ई ए बी एफ एक स्ट्रेट लाइन है। इस प्रकार है कि सच दैट ई ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी एफ, प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी, ई डी एंड एफ सी आर इंटरसेक्ट टू इच अदर एट राइट एंगल, कि ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये मान लो पी पॉइंट है, तो पहले तो देखो ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, सी डी इक्वल है, ए डी, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इस ट्रायंगल में ई ए डी में, ई ए साइड ए डी के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स। इसी प्रकार यहाँ पे, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर इसके बारे में नहीं बोल सकते हम, ये एंगल ये 2x हो जाएगा एंगल। क्यों हो जाएगा? देखिएगा कि ई ए डी एक ट्रायंगल है और ये जो एंगल डी ए बी है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है
और एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो ट्रायंगल के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो x प्लस एक्स टू एक्स, ये 2x हो गया, ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x, क्यों? क्योंकि रोमबस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं इस एंगल की, ये 2x है तो ये कितना होगा 180 माइनस 2x, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये अगर 2x है तो ये कितना होगा 180 माइनस 2x, क्यों? क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B है आपका 180, जिसमें से एंगल A कितना आपका 2x, तो एंगल B कितना होगा, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा। रीजन लिख देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इन ए रोमबस, कि रोमबस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। अब ये देखो कि इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BCF, BC इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल दे रखी हैं और ये सभी साइड इक्वल है रोमबस की, तो ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, BF इक्वल है BC, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल हाफ है वो यहाँ पे देखो, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 माइनस 2x, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल B है CBA, ये है 180 माइनस 2x, जो इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल BCF के लिए ये है एक्सटीरियर एंगल, तो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो कितने होंगे 180 माइनस 2x बाई 2 किया है मैंने, क्यों किया है? देखो कि एंगल C प्लस F इज 180 माइनस 2x है, तो एंगल C प्लस एंगल कितना होगा 180 माइनस 2x, इन दोनों एंगल का सम, और एंगल C और F दोनों इक्वल हैं क्योंकि ट्रायंगल C टू इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, तो C की जगह आप लिख सकते हो F, तो ये F प्लस F 2F इज 180 माइनस 2x, 2 इधर आके डिवाइड में, तो एंगल एफ इज इक्वल टू, ये 2 किसके डिवाइड में है, दोनों के डिवाइड में, अलग अलग करेंगे हम, 180 बाई 2 माइनस 2x बाई 2, तो एंगल एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 2 से कैंसिल 90, 2 से 2 कैंसिल x। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो अलग अलग लिखा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर वाले में से 2 कॉमन लिया, बचेगा 90 माइनस एक्स डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 90 माइनस एक्स, तो एंगल एफ हो गया आपका 90 माइनस एक्स। अब जाएंगे आप इन ट्रायंगल पी, ई एफ पी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, ये प्लस ये आपका 90 माइनस एक्स प्लस ये आपका P, जिसको आप बोल सकते हैं ई पी एफ या एंगल P बोल सकते हैं, एंगल हो गए ई एफ पी, ट्रायंगल्स के ये तीनों एंगल हो गए और इन तीनों एंगल का सम होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो एंगल P इज इक्वल टू कितना होगा, ये प्लस का 90 इधर आके माइनस का 180 माइनस 90 90, सो एंगल P इज इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था कि जैसे ED और FC प्रोड्यूस करेंगे तो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, इट मींस एंगल P राइट एंगल होगा, और आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एंगल P 90 डिग्री है, तो ये ही आपको प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। तो इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट वन, पी क्यू आर एस आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रेंटल ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रेंटल है आपका किसी भी प्रकार का ले लीजिए आप, ए बी सी डी, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है कि इस टाइप का क्वाड्रेंटल है,
पी क्यू आर एस इसकी साइड्स के मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एस चारों साइड्स के मिड पॉइंट है। फिर कहता है ये प्रूव दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ पी आर एंड क्यू एस। O is the midpoint of points P, R and Q, S। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि P, R और Q, S ये P, Q, R, S क्वाड्रेटर के डायगनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब P, Q, R, S क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमें यहाँ पे पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाना है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पी आर और क्यू एस दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम के डायगनल, और पैरेललोग्राम के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ओ है वो पी आर का भी मिड पॉइंट है और क्यू एस का भी। तो इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करेंगे, एसी को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर दिया तो अपने आप करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीडी, मैं बता रहा हूँ कि इन ट्रायंगल एबीडी में बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि पी और एस दोनों साइड के मिड पॉइंट है तो पी एस है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और पी एस है वो थर्ड साइड का हाफ भी होगी। पी एस बी डी के पैरेलल भी है, पी एस बी डी के का हाफ भी है। इसी प्रकार इन ट्रायंगल बी सी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू और आर मिड पॉइंट है दो साइड के, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो क्यू आर है वो थर्ड साइड बी डी के पैरेलल होगी और क्यू आर है वो बी डी का हाफ भी होगी। इन दोनों कंडीशंस में देखो, एक तो ये और एक ये, पी एस पैरेलल टू बी डी, क्यू आर पैरेलल टू बी डी, पी एस पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर पैरेलल टू बी डी, इट मीन्स पी एस ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर। पी एस बी डी के पैरेलल है और बी डी क्यू आर के, तो पी एस पैरेलल होगी क्यू आर के। पी एस बी डी का हाफ है और क्यू आर भी बी डी का हाफ है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, पी एस इक्वल टू क्यू आर। इसका मतलब इन क्वालिटल पी क्यू आर एस अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया तो इसके डायगनल पी आर एंड क्यू एस एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ओ पी आर का भी मिड पॉइंट होगा और क्यू एस का भी मिड पॉइंट होगा। ये आपको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को मोटा मोटी हमने आपको बता दिया है, अपने आप करके देखेंगे, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं।